एक और राज्य में बीजेपी को सता रहा हार का डर, पीएम समेत सभी दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा हुआ तो वहाँ है जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र। यह लोकसभा सीट पूरे प्रदेश में एकमात्र SC रिजर्व सीट है, जिसके चलते भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की नज़र इस लोकसभा पर जमी हुई है। हालांकि लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट को जीतते आ रही है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस लोकसभा पर झोंक दी है। जांजगीर चांपा लोकसभा में आखिरकार बीजेपी को किस बात की डर सता रहा है, जब केंद्र व राज्य सरकार ने जनता के लिए अच्छा काम किया है तो जनता पर भरोसा रखना होगा। लेकिन इस लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर है। इस सीट में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है, किसी तरह भी इस सीट को भाजपा अपने हाथ नहीं गंवाना चाह रही है। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद एवं प्रदेश के दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों का दौरा इस लोकसभा में हो रहा है और पूरी ताकत से जनता के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर खाने की खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि इस लोकसभा में दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर है, किसी एक पार्टी का एक तरफ माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा में मोदी लहर का खास असर होते अब नहीं दिख रहा है। वजह यह भी हो सकता है कि इस लोकसभा में 8 विधानसभा हैं और सभी 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है, इस लिहाज से विधानसभा में माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों का दौरा इस लोकसभा में हो रहा है, जिसके चलते माहौल और टाइट हो गया है और कोई भी एक पार्टी की ओर झुकाव नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भारी जोश में नजर आ रहे हैं, हालांकि मतदाता अभी खामोश हैं। 7 मई को मतदान है, 4 जून को रिजल्ट आना है। देखना होगा कि जनता के विश्वास पर कौन खरा उतरता है।